हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ विजय पिंगोले। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताऊंगा कि एसएससी जीडी की जो यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है उसमें मैं आपको यहाँ पर बता दूं अप्लाई के बारे में, नोटिफिकेशन कब जारी होगा या फिर एग्जाम कब लगेगा या फिर आपका एग्जाम अप्लाई फॉर्म, जैसे कि अप्लाई फॉर्म कब भरे जाएंगे उसके बारे में पूरा यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर जो न्यूज निकल के आई है अभी अभी आज यहाँ पर न्यूज निकल के आई है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या न्यूज आई है उसके बारे में आपको पूरा यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ दिया हुआ है आपकी जैसे कि 40,000 पदों की यहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई है एसएससी जीडी की। यहाँ पर पहले ही निकल चुकी थी, यानी मार्च में निकल चुकी थी, लेकिन यहाँ पर कोरोना की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया था कोरोना के टाइम पे। लेकिन यहाँ पर अब फाइनली यहाँ पर डिसाइड कर लिया गया है कि अब यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन इस तारीख को निकला जाएगा और इस तारीख को आपको यहाँ पर फाइनल यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर जून के सेकेंड और थर्ड यहाँ पर सप्ताह में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होने के पूरे यहाँ पर आसार नजर आ रहे हैं। यहाँ पर न्यूज में बताया गया है कि दूसरे और तीसरे सप्ताह में यहाँ पर, जून के दूसरे और तीसरे सप्ताह में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसमें अब किस दिन से आपका अप्लाई फॉर्म होगा वो पूरी आपको जानकारी बता देता हूँ। जब से नोटिफिकेशन जारी होगा उसी दिन से आपको एसएससी की मेन वेबसाइट पर आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस दिन से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और यहाँ पर बताऊँ कि जैसे कि दूसरे और तीसरे सप्ताह में यहाँ पर स्टार्ट होंगे फॉर्म अप्लाई करना, तो आपको जुलाई तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई चलेगा। फॉर्म अप्लाई जुलाई तक आप कर सकते हो आराम से, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। मैं अप्लाई करने के जिस दिन अप्लाई होंगे उस दिन से आपका वीडियो बना के आपको अपडेट करवा दूंगा, पूरा फिलअप करने का पूरा तरीका आपको बता दूंगा। तो गाइस, इस चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि गाइस एजुकेशन से रिलेटिव आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। इसके साथ में यहाँ पर बता दूँ कि एग्जाम कब लगेगा, एग्जाम के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि दिसंबर तक आपका एग्जाम यहाँ पर लग जाएगा, दिसंबर के लिए बोला गया है। लेकिन आपका जो अप्लाई फॉर्म है वो आपको कब तक फिलअप करना है, तो दोस्तों यहाँ पर जुलाई तक आपका यहाँ पर अप्लाई फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। और उसके बाद में जैसे कि कोरोना यहाँ पर समाप्त हो जाता है और उसके बाद में बोर्ड एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम लग जाएंगे, और उसके बाद में दिसंबर में आपका यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्जाम के लिए यहाँ पर लगने के लिए बोला गया है। उसके साथ साथ में उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसकी योग्यता पूरी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उसकी एज की लिमिट क्या है पूरी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उसमें क्या क्या यहाँ पर योग्यता रखी गई है एसएससी जीडी में आपको यहाँ पर बताऊँ। योग्यता की बात करूँ तो योग्यता में आपको क्या करना होगा, आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हो तो आप यहाँ पर एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ में एज की बात करूँ तो एज यहाँ पर दे रखी है 18 से 23 वर्ष। अगर 18 से 23 वर्ष की आपकी एज है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अन्यथा आप जैसे कि अगर SC ST अगर OBC हो, EWS है, तो आपकी विशेष यहाँ पर ईयर की आपको छूट दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप विशेष छूट भी आप ले सकते हो। तो गाइस, इस तरीके से आप फॉर्म फिल करके बाद में आपको दिसंबर में एग्जाम लग जाएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी है आपको, नोटिफिकेशन जब भी जारी होगा मैं आपको वीडियो बना के आपको पूरी आपको और भी चर्चा करके आपको बता दूंगा। तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।